वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने जोरदार अंदाज में सलाम का जवाब दिया उसने ईमान को बचा लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्यों? इसलिए मैदान करबला में सैयदना इमाम हुसैन इस्लाम को बचाने के लिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह الذي حنان المنان الذي خلق الانسان علمه البيان والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المقيم المبين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين किस शान से हसान बोले फिदाए हामी कुरान बोले व नुक्ता रस्तकी का दान बोले अरब का मतलब ए ताबान बोले। अब आइए सबसे पहले हम आराम मिलकर कमाले यकीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका नबी अकरम नूरे मुजस्सम सैयदे आलम फखरे आदम व बनी आदम ततिम्मा दौरे जमा खातिमे पैगंबरा नबी रहमत शफी उम्मत काबा के बदरो ध्वजा। तो आपको खाली कहना ये, चलिए मैं जल्दी इशारा करता हूँ। अल्लाह की सरदा बाबा कदम शान है, अल्लाह की सरदा बाबा कदम शान है। इंसान की इंसानी वो इंसान है, हम तो ईमान पता रही है, ईमान का मेरी जान है। मैं यही पे रुक जाइए, मैं अपनी तकरीर का आगाज इसी शेर पे करता हूँ। पढ़ी के इमाम फरमाते थे अल्लाह की सरदा बाबा कदम शान है, इंसान की इंसानी वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है, ईमान ये कहता है मैं, ईमान ये कहता है मेरी जान है। इंसान अपनी बाप से मोहब्बत करता है, इंसान अपनी माँ से मोहब्बत करता है, इंसान एक दुनियादार से मोहब्बत करता है, इंसान अपने बाप से मोहब्बत करता है, इंसान अपनी माँ से मोहब्बत करता है, माँ अपने बेटे से मोहब्बत करता है, माँ अपने बेटे से मोहब्बत करता है, बेटे अपनी माँ से मोहब्बत करती है। अल्लाह में इंसान से लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस फकीर के जुमले को तुझे दफ्तर में बसाओ। इस बाप की मोहब्बत ईमान के लिए काफी लगी, इस माँ की मोहब्बत ईमान के लिए काफी लगी, बल्कि ईमान के लिए और बिना के दुआरे की मोहब्बत चाहिए। उस वक्त तक कोई मुनीम मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक वो अपनी माँ बाप से ज्यादा मुझे प्यारा न बना ले। लिहाजा है मुसलमानों, दुनिया के साथ साथ मदीने के दारेदार की मोहब्बत चाहिए, दुनिया के साथ साथ हुसैन शहीद करबला की मोहब्बत चाहिए, दुनिया के साथ साथ हसन मुस्तफा की मोहब्बत चाहिए। अरे बरेली की बोली बोलो, अल्लाह की सरदा का कदम शान गई है, इंसान की इंसानी वो इंसान गई है। कुरान तो ईमान बताता गई है, ईमान कहता है मेरी जान गई। हम और आप जिक्र शहदाए आजम कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। मेरे एक एक जुमले को समझ गए, सुभान अल्लाह, ईमान की चोटी हरी हो जाएगी। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत
कभी आपने मेरे आका के दूसरे खलीफा सैयदना फारूक आजम का बयान सुना हजरत अल्लामा इल्हाक से, फिर इससे कबल मेरे आका के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का बयान सुना आपने हजरत अल्लामा इल्हाक से। आज चार मुहर्रम हराम शरीफ गए, आज हजरत मेरे आका के तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का बयान। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हजरत उस्मान गनी का बयान। कौन उस्मान गनी? वो उस्मान गनी, ये वही है उस्मान गनी जिन्हें जामिउल कुरान कहा जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही उस्मान गनी है जिनके निकाह में मेरे मुस्तफा जाने रहमान ने अपने दो बेटे हजरत अबू हजरत सैयदना उस्मान गनी सुन्नूर के निकाह में दिया। सुभान अल्लाह, बेशक। वो है उस्मान गनी। कौन उस्मान गनी? ये वही उस्मान गनी है जिन्हें सुन्नूरैन कहा जाता है। यही वही ये वही उस्मान गनी है जिन्हें सुन्नूरैन कहा जाता है। ये वही उस्मान गनी है जिन्हें मेरे मुस्तफा ने जिन्होंने मस्जिद नबवी को मस्जिद नबवी